एक तरफ जहां लोग इतना काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ केजरीवाल जी दय दनादन अपना काम करा रहे हैं। कल इस बारे में बात हो चुकी है, कुछ और फैक्ट्स आए उसको लेंगे आज, कुछ और मजेदार बातें उसको लेंगे, है ना। तो क्या क्या हुआ कल हमने देखा, 45 करोड़, मोटा मोटा 50 करोड़ पकड़ ले, 50 करोड़ का काम केजरीवाल ने करवाया। लेकिन इसमें सबसे मजे की बात यह है, इस पूरे 50 करोड़ के काम में आपने कभी ऐसा सुना है कि 50 करोड़ के काम हो जाए सरकारी काम एक्सचेकर के पैसे से? एक्सचेकर समझते हैं किसे बोलते हैं, सरकार का जो पैसा होता है यानी ट्रेजरी का पैसा, इस कॉल्ड एक्सचेकर। तो एक्सचेकर के पैसे से काम हो जाए, 50 करोड़ के काम हो जाए, बिना टेंडर के हो जाए। आप में से कितने लोग यहां पर गवर्नमेंट सप्लायर हैं जरा मेरे को बता दो। 1 लाख रुपए का भी सामान खरीदा जाता है तो उसके लिए टेंडर होता है कि नहीं होता है? 3 तरह के टेंडर होते हैं, पब्लिश टेंडर, बुलेटिन टेंडर, लिमिटेड टेंडर, है, और एक पीएसई होता है, प्रोप्राइटरी आर्टिकल वाला। तो ये तो प्रोप्राइटरी आर्टिकल थे नहीं, ये लिमिटेड टेंडर भी नहीं हुए, ये बुलेटिन टेंडर भी नहीं हुए, ये पब्लिश टेंडर भी नहीं हुए, बिना टेंडर के काम, कोटेशन बेस्ड, इसको बोलते हैं कोटेशन बेस्ड काम, कोटेशन पे हो गए सारे काम। 50 करोड़ के काम कभी सुने कोटेशन पे? कौन सा ऐसा आदमी है भैया, कौन सा ऐसा आदमी है जिसके पास इतनी पावर है कि 50-50 करोड़ के कोटेशन पे काम करा दे? कोटेशन पे काम सर, ये जो होता है ना, आप जो देखते हो क्या नाम है भाई, जरा सोच समझ के कमेंट करना। एक भाई साहब ने, किसी ने लिखा था, मोदी मौला वीरगति को प्राप्त हो गया। मजाक में भी ऐसा मत लिख देना ना, सीधे चले जाओगे आप सट से एक झटके के अंदर, ठीक है ना। मजाक में मत लिख देना क्योंकि अभी माहौल ठीक नहीं चल रहा है। तो इतने सारे काम हो गए सर, 50 करोड़ के काम हो गए, कोई टेंडर नहीं, जिसको चाहा उसको दे दिया। अच्छा मतलब कोटेशन बनवा के, बिल बनवा के दे दिया, काम हुआ कि नहीं हुआ इसकी भी कोई गारंटी नहीं, कोई सर्टिफाइंग एजेंसी नहीं भाई साहब, कोई PWD CPWD कोई नहीं बीच में, सीधा सन्न काम हवा में, और सरकार के खाते से पेमेंट चला गया। अब किया कैसे, चालाकी भाई, हर चीज का कोई ना कोई तोड़ तो होता है। हमने क्या बताया, इस फाइल पर भी इनके श्रीमान जी के साइन नहीं है, श्रीमान जी के साइन इस पर भी नहीं है। अब इसका तोड़ कैसे निकाले, तो पावर कितनी, हर आदमी की एक पावर होती है, हर आदमी फाइनेंशियली एम्पावर्ड होता है, एक पर्टिकुलर पावर उसको दी जाती है ना। जैसे आपने सुना होगा इंप्रेस्ड, इंप्रेस्ड जो होता है वो ऑफिस के खर्चे के लिए होता है ना, एक लिमिट होती है इंप्रेस्ड की, इंप्रेस्ट से खरीद लो, अर्जेंट में खरीदना, तुरंत खरीदना, ऑफिस का खाना सामान खरीदना, उसके लिए कहाँ जाएंगे हम कोटेशनबाजी करने, तो इंप्रेस्ट के जरिए खरीद लिया जाता है, उसका बिल लगा दिया जाता है, उसमें कोई टेंडर नहीं होता। छोटे होते हैं 5,000 की पावर, और अक्सर जो समझदार अधिकारी होता है उसको सरेंडर कर देता, बोले मुझे इंप्रेस्ट से नहीं खरीदना, इंप्रेस्ट में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि इंक्वायरी जब भी खुलेगी उस इंप्रेस्ट की खुलेगी, सबसे पहले इंप्रेस्ट देखता है ऑडिट वाला, आगे इंप्रेस्ट बताओ कितना खर्च हुआ, क्योंकि सारी गड़बड़ घोटाला उसी में होता है। आप सोचिए कि ऑफिस के लिए, ऑफिस में क्या क्या लगता है आपको शायद अंदाजा नहीं होगा, कप प्लेट्स भी लगते हैं, है ना। तो जब कप प्लेट्स लगते हैं तो उस कप प्लेट के लिए, मुझे अभी तक याद है, मैं छोटा था तो मेरे फादर ने बोला बोन चाइना वाले, वो जो पतले वाले आते, बोले वो अच्छी क्वालिटी का कप और कहाँ मिलेगा, तो मैंने बताया ऐसे ऐसे करके, तो बोले चलो मैं चलूंगा साथ में, मेरे को शाम को लेके चलना है। शाम को आए तो मैं लेके गया दुकान पर, अब वो दुकान पर गए, उन्होंने सारा देख लिया, अधिकारी अभी दो लोग भी साथ में होते हैं। अब मेरे फादर उससे बोले, बोले इसके 3 कोटेशन बना के दो, इंप्रेस से डायरेक्ट नहीं खरीद रहे, 3 कोटेशन बना कर दो। तो बोले 3 कोटेशन कहाँ से लाऊँ, अब वो तो बेचारा एक दुकानदार, बोले मैं तो अपना दे सकता हूँ, बोले चलो तुम अपना दो। उसके बाद इधर घूम उधर घूम उधर घूम, दुकानें तो खुली लेकिन उनके पास कोटेशन नहीं है। मुश्किल से जाकर जैसे तैसे 2 कोटेशन और अरेंज करके तब जाके 3 कोटेशन पूरे हुए, तब जाके वो लगाया गया, और एक हफ्ते बाद जाकर फिर वो खरीदे गए। इंप्रेस से नहीं खरीदा, इंप्रेस से आदमी खरीदने में समझदार अधिकारी हमेशा डरता है, इंप्रेस से नहीं खरीदूंगा, है ना। तो उसमें भी टेंडर हुआ सर, उस जमाने में शायद 250 रुपये का टी शर्ट था वो, 250 रुपये के लिए, आज मान लीजिए 1,000-1,200-1,500 का होगा। तो इतने छोटे छोटे अमाउंट के भी टेंडर, गोंद खरीदते ना सर, अब गोंद 12 रुपये की शायद गोंद की बोतल थी, कई बार ऑफिस के काम होते ना, बच्चा जा रहा होता बोल देते हैं, मुझे तो छोटी छोटी बातें याद रहती, मेरे पिताजी बोले गोंद की गोंद ले आना, मैं ले आया, फिर बोले इसकी वो बिल लेकर आओ, बिल ले आया, फिर बोले और 2-3 दुकानों से इसके वो कोटेशन लेकर आओ, मैं माथा पीट लिया, मैंने कहा गोंद की बोतल वापस दे दो, 11 रुपये की ऐसी तैसी आप खुद कर लेना, ये इतने रट्टेबाजी मेरे से नहीं होगी, है ना। तो खैर झुंझला गया था मैं, उन्होंने खुद ने अरेंज किया बाद में जैसे तैसे करके। तो छोटी छोटी चीज़ सर, 11 रुपये तक का टेंडर गोंद की बोतल का, सोचिए आप, कोई नहीं पड़ता चक्कर में सर, कोई अपने हाथ गीले नहीं करेगा, है ना, कोई रट्टा नहीं चक्कर में पड़ता कि मैं अपने हाथ काले करूँ इसमें। लेकिन यहाँ पर साहब 50 करोड़ के काम हो गए, पावर होते हुए लोग इस्तेमाल नहीं करते, डर लगता है लोगों को, फंस जाएंगे हम इसमें, केस बन जाएगा, लोग नहीं करते ऐसा, अधिकारी नहीं करता ऐसा। आज भी मैंने बहुत सारे अधिकारी देखे, अभी भी देख लीजिएगा, अधिकारी आते हैं वो अपने वो सूटकेस लेने आते हैं ना, ब्रीफकेस लेने, क्या बोलते हैं दुकानदार से, 3 कोटेशन दे दो,
वो इंप्रेस में क्यों नहीं खरीद लेता, उसकी लुक लुक होती है। 1 रुपये भी ऊपर नीचे होगा तो ऑडिट वाला मार डालेगा, मेरी गर्दन फंसा देगा, मेरी नौकरी चली जाएगी इंप्रेस में, इंप्रेस के चक्कर में। तो डायरेक्ट खरीदने वाला जो खरीद होती है ना, उसको कोई पसंद नहीं करता अधिकारी, सब उससे दूर रहते हैं। ना आए कोई बात नहीं, देर से आए कोई बात नहीं, लेकिन अब इसमें सीधे में नहीं फंसेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ों के टेंडर होते हैं सर, छोटी छोटी चीज़ों के, है ना, जो बिल्कुल ही एकदम रजिस्टर्ड चीज़ें होती है कि एक ही कंपनी की है, मालूम ही है सबको, गवर्नमेंट कंपनी की है, उसको हो सकता है शायद इंप्रेस में कोई ले ले, अदरवाइज कुछ नहीं करता आदमी। कंसल्टेंसी भी दे देगा, 1 करोड़ दिखाया, अरे बाप रे बाप, बताइए। तो ऐसी चीज़ें जो सारी चीज़ें अवेलेबल थी, आपस में लड़ने से फुर्सत मिल गई या दोनों तीनों को ब्लॉक मार दूं? अब नहीं करना कमेंट, है कोई भी मत करना, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी इंप्रेस होता है, ऑफिस के खर्चों के लिए, छोटे खर्चों के लिए, लेकिन कोई डर के मारे नहीं इस्तेमाल करता। या तो 50 करोड़ की खरीद हो गई इंप्रेस के तरीके से, सट उठा के ऑर्डर दे दिया और पेमेंट हो गया सरकार से। अब जब टेंडर होने थे, टेंडर क्यों नहीं हुए? तो इन्होंने क्या चालाकी करी, हर व्यक्ति की पावर होती है ना, तो उतनी पावर के वो टेंडर कर सकता है। इन्होंने क्या किया, कोटेशन टेंडर कर सकता है, ओपन टेंडर नहीं। ओपन टेंडर में तो पब्लिक के पास चला जाएगा, पब्लिक के पास नहीं, वो एजेंसी के पास चला जाएगा, PWD करेगी, CWD करेगी, ठीक है ना। अब क्या, तो इन्होंने क्या किया, उसको तोड़ दिया काम को। काम एक ही है, मार्बल खरीदना, मार्बल को लगाना, एक ही काम है ना। इन्होंने क्या किया, अच्छा मार्बल खरीदना अलग कर दो, 5 करोड़ के मार्बल खरीदे, और 5 करोड़ तो लिमिट है, तो 4 करोड़ 99 लाख के मार्बल खरीदे, और फिर 4 करोड़ 99 लाख में लगाया, और 4 करोड़ 99 लाख इसकी कंसल्टेंसी थी। अरे गजब यार, गजब, ऐसे कहीं होता है क्या? आप मुझे एक बात बताइए, आप स्कूटर खरीदने जाते हो पूरी खरीद के लाते हो, बाइक खरीदने जाते हो पूरी खरीद के लाते हो, या फिर पहिया अलग लाते हो, दूसरा पहिया अलग लाते हो, अलग अलग बिल बनवाते हो क्या? अगले पहिए का अलग बनाना, पिछले का अलग बनाना, इंजन का अलग बनाना, टंकी का अलग बनाना, इसका अलग बनाना, ऐसे अलग अलग बनते हैं क्या? बाइक तो एक ही लाते हो ना आप। तो यहाँ क्या किया गया, यहाँ बाइक तो एक ही है, घर तो एक ही है, रिनोवेशन एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग बना दिया। पहिए का बिल अलग बना दो, इंजन का अलग बना दो, टंकी का अलग बना दो, सीट का अलग बना दो, ऐसे होता है क्या? ऐसी बेईमानी करिए साहब, गजब है, हद है, ऐसी बेईमानी हमने आज तक नहीं दी। 50 करोड़ रुपये का हेरा फेरी, लोगों की नज़र में नहीं आए, लोग सब कोविड में परेशान है, मर रहे हैं, लोगों की लाशें गिर रही हैं, लोग कहाँ से देखेंगे उसको? 5-5 करोड़ में चुपचाप से किसी को पता भी नहीं चलेगा भाई? अगर पब्लिक टेंडर कराते, कुछ कराते तो लोगों को पता चल जाता। तो छोटे छोटे टेंडर, कोटेशन वाले, कोटेशन लेकर अपना काम करा लिया और सरकार से पेमेंट करा दिया, भारत सरकार टैक्स पेयर का पैसा जो है लुटा दिया, ठीक है ना, क्लियर है? सिस्टम का पूरा ज्ञान है सर आपको, घाट घाट का पानी भी, हाँ सिस्टम का पूरा ज्ञान है मुझे, भयंकर रूप से ज्ञान है सिस्टम का, भयंकर। थोड़ा बहुत नहीं, केजरीवाल जी को कैसे फंसाना है मैं 2 मिनट के अंदर ऑडिट वाले को बता सकता हूँ, बैठे बैठे, मुझे हिलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑडिट वाला इनको उल्टा टांग देगा। इनके पप्पा भी पेमेंट के लिए ना यहाँ से वहाँ भागे फिरेंगे, उनके ऊपर 400 का केस लग जाएगा इसी केस में, है ना, बहुत सख्त होती है, बहुत फाइनेंशियल धाराएं बहुत सख्त होती हैं ना। जिस जिसने इस पे साइन किया ना, जितने सेक्रेटरीज हैं, पेंशन नहीं ले पाएंगे अपनी, ग्रेजुटी फंड नहीं ले पाएंगे अपना, लिख कर दे देता हूँ, लिख कर। इतना आसान नहीं है सर खेल करना, ऐसे ही कर दोगे कुछ भी, तुम्हारी मनमर्जी है, तुम तोड़ दोगे टेंडर को। क्या वो वर्क डिस्क्रिप्शन दोनों अलग अलग है या वो एक साथ है? आप ऐसे कैसे तोड़ दोगे? आप सेटिंग बैठा रहे हो उसका मतलब? 5 करोड़ का मार्बल, 5 करोड़ की फिक्सिंग, मतलब मार्बल 7 करोड़ का था, ये तो आपने सेटिंग बैठा ली ना, ये तो पूरा घालमेल कर दिया। मेलाफाइड इंटेंशन क्लियर कट है, और मेलाफाइड इंटेंशन अगर फाइनेंशियल फ्रॉड में है तो ये मान लीजिए उसमें बचने का चांसेस बहुत कम है। सरकार में सबसे बड़ा पाप यही माना जाता है और कुछ दूसरा नहीं माना जाता है, इसमें बचना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। कमोड भी है, सब कुछ है सर। तो ये तमाम सारी इन्होंने चीज़ें करी, किन्होंने करी? दिल्ली से एक और नई किस्म की शुरुआत करना चाहते हैं, ये VIP कल्चर खत्म करना चाहते हैं। कि हम सादगी भरी राजनीति लाना चाहते हैं, उस दिशा में दिल्ली में VIP कल्चर हम लोगों ने बंद किया। जो कल से आप लोग कह रहे हैं कि MPs अपने लिए सुविधाएं मांग रहे हैं हवाई जहाजों के ऊपर, हमने तो अपने लिए जो एग्जिस्टिंग सुविधाएं थी वो भी बंद कर दी। हवाई जहाज में आजकल पंजाब के हवाई जहाज में चलते हैं आजकल, ये भगवंत मान जी के साथ में मुख्यमंत्री, प्राइवेट चार्टर्ड में, प्राइवेट चार्टर्ड। पहले एक सीट मिलती थी, एक टिकट मिलता था, जैसे RTC मिलता ना, रेलवे कंसेशन टिकट, ऐसा एक सीट के लिए पैसा मिलता था। अब चार्टर्ड प्लेन में उड़ रहे हैं, ना कोई लाल बत्ती, ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई बड़ा बंगला, वो सारी सुविधाएं बंद की। एक आम आदमी की तरह रहना चाहिए। कई सारे ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे वहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी बताते हैं कि बस में जाता है अपने दफ्तर, तो एक आम आदमी की तरह हम लोगों को भी रहना चाहिए। ये देश VIPs के लिए, आम आदमी के लिए नहीं है। इनका बस चले तो सारे आम आदमी को उठा के ये महासागर में डालते हैं, पैसिफिक ओशन में उठा के फेंकते हैं। इनको लगता है आम आदमी जो है यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। केवल VIP के लिए, VIP लोगों के लिए अलग सड़कें, अलग घर, अलग सिक्योरिटी, सब अलग होंगे। हम चाहते हैं सारा VIP कल्चर खत्म हो।
इस देश में एक ही वीआईपी होगा, वो होगा आम आदमी। बस हर आम आदमी इस देश का वीआईपी होगा। एक ही आम आदमी होगा, एक ही वीआईपी होगा, आम आदमी। आम आदमी सामने बैठा कह रहा मैं हूँ आम आदमी, टोपी लगा के, और सबको टोपी पहना दी इसने, टोपी बाज ने। तो जितनी लालबत्ती की गाड़ियाँ सब बंद, किसी को लालबत्ती की गाड़ी नहीं दीजिए। तो अगर हमारी आम आदमी की पार्टी से कोई जीतेगा तो उसको आम उसको लालबत्ती ही लेगा। दूसरा, ये इतने बड़े बड़े घरों में रहते क्यों रहते? ये हमारे इतने गरीब देश का राष्ट्रपति पता नहीं कितने बताते हैं 340 एकड़ का मकान है, कितने का उसका, इतना बड़ा मकान है। दिल्ली की 40% आबादी झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, एक एक झुग्गी में 20-20 लोग रहते हैं, पैर फैलाने में जगह नहीं, रात को सोते हैं तो पैर फैलाने में जगह नहीं। और एक आदमी 300 एकड़ की जमीन, उसको हम कह सकते हैं कि भैया हमें खाली करो, थोड़ा आम लोगों को भी दे दो जगह। तो इस राष्ट्रपति से बंगला खाली कराएंगे, और एक पार्षद की औकात वाला आदमी 50 करोड़ रुपए का बंगला बनाएगा, 50 करोड़ का बंगला पार्षद की औकात वाला। और मुकाबला किससे हो रहा है? देश के प्रधानमंत्री से। कल मैं देख रहा था निर्लज नीच सफेद चूजा, वो प्रधानमंत्री से कंपैरिजन करने जा। भाई प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष है, उनसे मिलने बाहर के लोग आते हैं, देश की शान उन्हीं से होती है। बाहर के लोग मिलने आएंगे, किससे मिलने आएंगे? क्या होता हमारे घरों में भी क्या होता है, जो जॉइंट फैमिली वाले हैं वो समझते हैं इस बात को। एक बड़ा भाई होता है जो सारे मेंटेन करता है, मान लीजिए 5 भाई, उनमें से एक बड़ा भाई है जो सारे रिश्ते मेंटेन कर रहा है, शादियों में जाना है, ऑफिस में कहीं जाना है, मीटिंग करनी, सब कुछ, वो सब कुछ उसके ऊपर है। बाकी अकाउंट्स का काम देख रहे हैं, बैक ऑफिस देख रहे हैं, कोई बिजनेस देख रहा है, सारे लोग अलग अलग देख रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, जो कपड़े जो अच्छे आते हैं वो अक्सर बड़े उसके लिए आते हैं जो ये देख रहा होता है, चाहे बड़ा हो चाहे बीच का हो चाहे छोटा हो। क्यों? वो अच्छा दिखना चाहिए, इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए घर का। हर आदमी लेना नहीं पकता कि मुझे भी लेने। जो जॉइंट फैमिली में रहे वो इस बात की तस्दीक कर देंगे, ठीक है ना। जब अफोर्डेबिलिटी होगी तो सबके लिए होगा, नहीं है तो फिर एक के लिए होगा कि भाई घर की इज्जत बची रहे। तो घर की इज्जत के लिए होता है ये बड़े बंगले, आन बान शान, भारत की आन बान शान दिखाने के लिए, पार्षदों के लिए नहीं होता। म्यूनसिपैलिटी के जैसी औकात, बातें इतनी बड़ी बड़ी, प्रधानमंत्री कार्यालय से मुकाबला करें कौन, इतनी सी गिन चुन के, जैसे तैसे तो 7 सीटें हैं लोकसभा की, वो किससे मुकाबला करेंगे? जिनके पास एक भी नहीं है वो मुकाबला किससे करने जा रहे हैं, जिसके पास 303 सीटें हैं। वाह साहब वाह, गजब है, ऐसे गजब के लोग मैंने आज तक नहीं देखे साहब। चलो कोई नहीं सर, ऐसे ऐसे लोग। अच्छा उसके बाद जरा देखिए इनकी भाषा भी देखिए। राम गुप्ता आप, खुली चुनौती, मेन स्ट्रीम भारतीय मीडिया का कोई एक टीवी चैनल का नाम बताइए जो पूर्णतः निष्पक्ष हो, मौजूदा सत्ता शासन की गांव चाटने से परहेज करता हो, ऐसा किसी एक पत्रकार का नाम बताइए जो मौजूदा टीवी न्यूज में कार्यरत भी हो। ये इनकी भाषा, गांव चाटना ये इनकी भाषा है। राजनीति में होके तू किसकी गांव चाट रहा भाई राम गुप्ता? तू जिसकी चाट रहा हो तो बहुत ही गंदी है यार, ऐसा मत कर भाई। नहीं, इनको ऐसे ही जवाब देना पड़ता है, ये ऐसे ही लोग हैं, है ना। उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बताए जाते हैं, उत्तर प्रदेश आपके, और आप ऑफिशियल इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। अरे ये तो खुद ही जर्नलिज्म वाला निकला, अरे गजब यार, जे लो दल्ला है तो जर्नलिस्ट लिख रहा है अपने आपको, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, ऑफिशियल अकाउंट, फाउंडर मेंबर आप। अरे वाह, अरे वाह दल्लू, ओले दल्लू, ओले बेबी, तू इतनी कोची कोची गंजी गंजी बाजें लिखती हो दल्लू, कहीं कहाँ ऐसी बातें नहीं लिखती बेबी। हाँ गाँव गाँव में लिखा करो, हाँ कोई गाँव पर जोर से लात मार के निकल जाता पता है, हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं लिखते, ठीक है ऐसे मत लिखा करो बेबी, कष्ट हो जाता है। इतना गाँव 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 लगा रखा है इसने, बताओ यार कमाल है। ए गुप्ते राम, ले ले तेरे लिए, बैठ इस पे बैठ। अरे राम राम राम, तुम लोग के लिए मैं परमानेंट रख रखा है भाई, ठीक है ना। चलिए ये स्थिति है, अब आते हैं आगे और बात करते हैं। तो आम आदमी पार्टी की बात हो रही है, आइए साहब केजरीवाल की बात हो रही है। कितना सिंपल सा आदमी है, कितना सिंपल सा आदमी। देखो चप्पलों में गया था ये नीच, चप्पलों में गया था राष्ट्रपति भवन में, कब, जब फॉरेन के डिग्नेटरीज आए हुए थे, फॉरेन से राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे, फ्रांस के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए हुए, तब की बात। राष्ट्रपति भवन में ऐसे गया था ये नीच, तब इसको लोगों ने 364 रुपये भेजे थे, जूते खरीद ले जूते, बेशरम आदमी जूते खरीद ले। हैं ये देखिए, इंजीनियर ने केजरीवाल को जूते खरीदने के लिए भेजे पैसे 364 रुपये, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली न्यू दिल्ली। ये स्थिति, ये इसने भद पिटवाई थी बेशरम आदमी ने, ठीक है ना। आज जो आदमी, अच्छा दिखावा पूरा भाई साहब, साइन हाथ में कौन सा है, आईफोन 14 प्रो मैक्स, और चप्पल है देखो भाई साहब। नंगपन मचाने में इस आदमी से ऊपर कोई नहीं हो सकता, महा महा नंगपन में आदमी है, ये इसकी असलियत है। अब इन जूतों को देखो,
50-50 हज़ार के जूते पहन के खड़े हैं साहब लोग, 50-50 हज़ार के जूते पहन के खड़े हैं लोग, समझो जरा हैं। फोटो खिंचानी है तो ऐसा गजब साहब। अब जूते आ गए घर में, जूते, और जैसे ही कोई घर में बाहर से मेहमान आए तो चप्पल पहन के खड़े हो जाओ। नहीं होते कुछ लोग नंगे टाइप के लोग, नहीं होते मुझे कपड़े नहीं देना है तो मैं नंगे बन खड़ा, ऐसे अपने घर में नहीं होते कि कोई आ रहा तो एकदम ही घटिया फटे से कपड़े पहन के खड़े हो गए। फिर ऐसा हुआ, क्या इलाज करते पापा, क्या करते अपने ऐसे भाइयों का इलाज, पापा क्या करते थे, जूता उतारते थे फिर एकदम सब सही हो जाता था, है ना, याद है, याद आ गया होगा अपने को। तो ये स्थिति है इनकी, ये इनकी रियलिटी है, कमाल है, गजब गजब बेशरम आदमी। अब जब इतने ईमानदार कट्टर ईमानदार लोगों से जब सवाल पूछा गया तब क्या हुआ, जरा वो सवाल की हालत भी देख लीजिए, सवाल पूछने वालों की सवाल की भी देख लीजिए। अरे पहुंच गए घर पे, दरवाजे पे खड़े हैं साहब। अरे भैया गुंडों ने धक्का देके भगा दिया। देखिए ये देखिए यहाँ पर है, धक्का देके इसी तरह से बाहर किया गया। संजय सिंह ने इशारा किया अंदर आइए, लेकिन वो अंदर इशारा आपको मैं देख रहा था, आप बहुत कोशिश कर रहे थे अंदर जाने की, लेकिन गेट आपके मुंह पे लगा है। बिल्कुल देखिए मैं कोशिश लगातार कर रहा हूँ, लेकिन आपने देखा संजय सिंह ने इशारा किया अंदर आइए, बात करते हैं। गाड़ी अंदर गई और फिर 4-5-6 कार्यकर्ताओं ने मिलकर तेजी से इतना बड़ा दरवाजा अगर हम लाइव में खोलने की कोशिश करें तो संभव नहीं है, लेकिन वो खुला नहीं, फिलहाल बंद कर दिया गया। और लगातार अगर आप देखें तो यहाँ पर लोग खड़े हैं, क्योंकि संजय सिंह को मैं जानता हूँ वो बहुत मजबूत नेता माने जाते हैं आम आदमी पार्टी के, तो क्या उम्मीद करें कि संजय सिंह के संदेश दे पाएंगे कि अगर कोई जर्नलिस्ट बाहर खड़ा हुआ है तो उस पर बात करनी चाहिए, उनके सवालों की जवाब देने चाहिए। क्योंकि बिल्कुल संजय सिंह को हम लोग तब से कवर कर रहे हैं जब गाजियाबाद में धरपकड़ हुआ करता था, और संजय सिंह इस बात के प्रचार हुआ करते थे कि हम मीडिया की स्वतंत्रता को बड़ा मायने रखते हैं, सवाल पूछे जाने चाहिए। और जब निर्भया को लेकर तमाम प्रदर्शन हुए थे, रामलीला मैदान में प्रदर्शन हुए थे, तब कहते थे कि मीडिया को सवाल जो है सत्ता की पार्टी से कांग्रेस से पूछना चाहिए। आज ये लोग उतने ही मतलब में नजर आ रहे हैं, बल्कि इससे ज्यादा निष्ठुर मीडिया के प्रति और मतलब में नजर आ रहे हैं। सवाल वही है, अरविंद केजरीवाल जब रेल भवन पर रात में धरने पर खोल रहे थे, वहीं पर रजाई पर डालता पूरा मीडिया उनके साथ, तभी मीडिया ने उनको कवर किया था, उनके हरे आरोपों को मीडिया दिखाती थी। लेकिन आप देखिए अगर यहाँ कोशिश करेंगे तो ये देखिए दरवाजा बंद, और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं बिल्कुल मुश्किल है, दरवाजा खुलता है बंद हो जाता है, लेकिन ये दिखाता है कि तेवर बदल गए हैं, तरीके बदल गए हैं, और मीडिया के लिए रवैया और ज्यादा बदल गया आम आदमी पार्टी के लिए, जो कि दुखदायी है। लेकिन सवाल ये है, दिनेश अभी सुनिए, अभी सुनिए भैया कैसा बर्ताव है, व्हाट इज विद दिस बिहेवियर, एज यू कैन सी पुलकित एंड गौरव, टू ऑफ अ टाइम्स नाउ नव भारत टीम, द क्रू, द रिपोर्टर्स हु हैव बीन वेटिंग राइट आउटसाइड आर द ऑफिसर्स ऑफ द आम आदमी पार्टी, संजय सिंह कार, द एमपी ऑफ द आम आदमी पार्टी दैट जस्ट वेंट इन, डायरेक्ट क्वेश्चंस वर आस्क्ड, ही वाज कंफ्रंटेड एज टू व्हाई टाइम्स नाउ इज बीइंग सिंगल्ड आउट, व्हाई द रिपोर्टर्स आर नॉट बीइंग अलाउड इनसाइड फॉर अ प्रेस ब्रीफिंग, दैट द आम आदमी पार्टी विल जस्ट बी होल्डिंग इन जस्ट अ बिट, एग्जैक्टली नो आंसर्स दैट आर बीइंग कमिंग इन, यू सॉ द काइंड ऑफ एटीट्यूड, द बिहेवियर एज़ फार एज़ द गार्ड्स देयर आर कंसर्नड एट द आम आदमी पार्टी ऑफिसर्स, दे स्लैम्ड द गेट शट ऑन द फेस। इतना गंदा और घमंडी टाइप का आदमी है, मैं अब आपको इसकी पुरानी एक कहानी, पुरानी एक बात याद दिलाता हूँ। मीडिया 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 ने इसको बनाया, ऐसा दानव बनाया कि मीडिया कोई खा गया। सबसे पहले बना तो इसने सबसे पहला काम क्या किया, ये क्या बोलता था, स्पाई कैमरे लेकर जाओ, लोगों की रिकॉर्डिंग करके लाओ, स्पाई कैमरे लेकर जाओ, लोगों की रिकॉर्डिंग करके, मैं तमाम सारे लोगों से बोलता हूँ आप सब स्पाई कैमरे लेकर जाइए, रिकॉर्डिंग करके लाइए, इनकी इनके दलाल घूम रहे हैं। अब ये डायरेक्ट बात नहीं करते, दलालों के थ्रू करते हैं, इनके आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता ना उनको पैसे कमा रहे हैं, तुम भी बीच में कट खाना, तुम बात करोगे सारी पैसे की बात सारी वो करते हैं। और दिल्ली वाले क्या है, खाओ खिलाओ वाले लोग हैं, दारू पियो पैग लगाओ सो जाओ, हाँ टेंशन नहीं लेने का, पैसे देके काम बुराना करवा लो। इसने सबसे पहला काम जो किया था, जो ये कह रहा था स्पाई कैम से रिकॉर्डिंग करके लाओ, उसका सबसे पहला काम जो इसने किया वो ये किया था कि दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों की एंट्री बंद कर दी थी, जो इससे पहले इतिहास में कभी नहीं हुई थी, कभी नहीं हुआ था, पत्रकारों की फ्री एंट्री थी दिल्ली सचिवालय में, इसने एंट्री बैन कर दी, बोले कोई एंट्री नहीं, कोई पत्रकार दिल्ली सचिवालय में नहीं जा सकता। इन्हीं घोटाले करने के लिए इसने किया, इसको दिन में पहले दिन से इसके दिमाग में क्लियर थी फिगर, पहले दिन से जैसे ये पावर में आया इसने खट से उठाकर सचिवालय के अंदर घुसने की जो परमिशन थी वो खत्म कर दी, कोई पत्रकार सचिवालय के अंदर नहीं जा सकता, बात खत्म, क्योंकि फाइलें तो वहीं से निकलेंगी। और ये कौन लोग हैं, अरे साहब देख तो लो जरा एक नज़र, आपको दिल खुश नहीं हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। आज इस शपथ पत्र को देखकर, ऊपर लिखा शपथ पत्र, आज इस शपथ पत्र को देखकर अपने आप को तो चांटे लगाने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जैसे खाली कागज पे ले आते थे शपथ पत्र को, 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे दें, स्टैम्प पेपर पे देना था, दिया कहाँ, शपथ पत्र अरविंद केजरीवाल भर दिया, और भर भरा के और सील लगा लो के, क्या नौटंकी करिए भाई साहब, और क्या शपथ पत्र, मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, ली, मैं अपने लिए अनावश्यक सुरक्षा नहीं लूंगा, सुरक्षा बल नेताओं के सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि आम आदमी के लिए सुरक्षा के लिए होती है, नेता आम आदमी से ज्यादा सुरक्षित होना चाहिए, सुरक्षा ली, बाउंसर हैं सारे बाउंसर, अभी दिखाऊंगा बाउंसर कौन कौन से, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, लिया, सामान्य घर में रहूंगा, नहीं लिया सामान्य घर, ये स्थिति है। इतना झूठ, इतना झूठ, ऐसा फरेब मैंने आज तक नहीं देखा भाई, इतना, इतने सारे लोगों को बेवकूफ बनाने वाला एक नटवर लाल, अरे बाप रे बाप, नटवर लाल तो आज जिंदा नहीं है, जिंदा होते तो आज सुसाइड कर लेते, कहते भाई अब तो केजरीवाल आ गया, नटवर लाल का क्या काम है, गजब है साहब गजब, आप लोगों ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा हो जाएगा।
कितने बेईमान, जब लोग मर रहे हैं तब ये अपने घर में जश्न की तैयारी हो रही है। चलिए देखें वीडियो दोबारा आ गया। संजय सिंह ने अंदर बुलाया, इशारा किया और गुंडों को धीरे से इशारा कर दिया कि गुंडे तो मैंने बाहर फेंक दो। गुंडों ने बाहर फेंक दिया। कमाल हो गया साहब, ऐसा भी होता है, गजब है। चलिए तो सिर्फ इतना नहीं हुआ इनके साथ में, और भी हो गया। और देखिए जरा, सिविल ड्रेस में ऐसे बाउंसर्स रखे हुए हैं, गुंडे रखे हुए हैं। धक्का दे देके भगाया जा रहा साहब, उन्हीं मीडिया कर्मियों को जिन मीडिया कर्मियों ने केजरीवाल को बनाया है। धक्का दे देके, पीछे निकल, पीछे निकल, बैरिकेड से पीछे जा। भाई पत्रकार बड़ा सीधा साधा था, मेरा जैसा होता तो हाथ ही उड़ जाता भाई, गला हुआ लाल हो जाता इसका, बाकी बाद में निपट लेते, कोई दिक्कत थोड़ी है। पत्रकारों को इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए। वाकई में जो पत्रकार टेढ़े होते हैं वो इन्हीं ऐसे ही लोगों की वजह से होते हैं। ये तो पत्रकार बेचारा पत्रकार में पत्रकार थोड़ी है, पत्रकार होता है प्रिंट मीडिया वाला, हाँ वो करता बात, इनको बात करेंगे। तो आपने आपने करके बात कर रहे, इतनी देर में तो प्रिंट वाले ना माँ बहन कर दी होती इसकी, धर के तेरी माँ कर दूंगा, तेरे बाप की मैया कर दूंगा, हाँ नाम लेके बाकायदा कुजलीवाल का। आपने प्रिंट वालों की बदतमीजी देखी नहीं है, बड़े भयंकर होते हैं, बड़े भयंकर, उन्हें कोई नहीं लग रहा सामने कौन है, ठीक है ना। तो अभी तो खैर चलो, नाऊ नाऊ कितने बाल, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये हुआ कैसे, ऐसे कैसे हो गया, इतना विज्ञापन पैसा, विज्ञापन पे जो पैसा जा रहा था उसको लेकर ही बवाल हुआ है, और उसको लेकर ही एलजी ने थोड़े से सिग्नेचर करने से थोड़ा आगे पीछे किया और उनको बोला कि आपका विज्ञापन का खर्चा ज़्यादा हो रहा है। ये जो विज्ञापन का जो उनका खुल गया ना कि यहाँ के विज्ञापन का पैसा इन्होंने वहाँ लगा दिया, गुआ में और पंजाब में लगा दिया, ये जो फाइलें जब खुलेंगी तो इसमें सजा हो जाएगी, इसलिए आप विज्ञापन देने वाले जो सेक्रेटरीज वगैरह जो है ना, यहाँ से बिल पास होना, वो लोग थोड़ा कर्टेल कर रहे हैं, जब कर्टेल कर रहे हैं तो विज्ञापन पूरे नहीं मिल पा रहे। आप सोचिए सबको 100-100 रुपये मिलते थे, 10 लोगों को 1000 रुपये का विज्ञापन जाता था, अब वो विज्ञापन 800 का रह गया तो 100-100 रुपये कम हो जाएंगे ना। तो हर आदमी का जो प्रयास हो ये है कि मेरे 100 रुपये पूरे मिलने चाहिए, अब तुम्हें जिसके कम करने कम करो, बस इतनी सी बात है। अभी तो और चलेगा सर, अभी तो शुरुआत हुई है। निर्लज लोग पेड़ों पे नहीं पलते, ये हमारे आपके बीच से निकल के जाते हैं। आप व्यू और लाइक का अंतर देखें, लाइक करें महानुभाव। भैया लाइक कर लो भैया, काय के लिए क्यों मतलब बार बार रोज कहना पड़ता है ना, मत आया करो देखना नहीं करना। तो गुरु जी इनके नेता कहते हैं कि मोदी के पास भी तो अपना खुद का घर है 7 रेसकोर्स रोड पर, कोई अगर ये बोले तो इसका क्या जवाब दे। 7 रेसकोर्स रोड तो सरकारी घर है, अपना घर थोड़ी है। 7 रेसकोर्स रोड प्रधानमंत्री का घर भी नहीं है, प्रधानमंत्री का घर तो पहले कोई दूसरा था, प्रधानमंत्री ने तो वहाँ घर लिया किसी से खाली ना कराना पड़े इसलिए, ठीक है ना। नटवरलाल जब केजरी का घर गया तो उसके केजू ने पूछा मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है, हाँ सही बात है ना। तो सर तो जो ये है ना, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जिसको रेसकोर्स रोड कह रहे हैं सर लोक कल्याण मार्ग है ना, 7 लोक कल्याण मार्ग पे रहते हैं प्रधानमंत्री, रेसकोर्स रोड नहीं, ठीक है ना। तो उसको जरा चेंज कर ले अपन जो कोई बोले, है ना। अब ये भी देख लीजिए कि प्रधानमंत्री से बड़े बंगले भी आपको मिल जाएंगे दूसरे, और ये प्रधानमंत्री का डेजिग्नेटेड है, अलग से नहीं बनाया, केजरीवाल का बंगला अलग से बनाया गया है। आपको नहीं मालूम होगा तो बता दूं, जो ओरिजिनल जो बंगला है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का, उस बंगले में नहीं रहे केजरीवाल, उसकी जगह 3-4 जो बंगले थे उनको तोड़कर एक बंगला बनाया गया। वो खर्चा अलग है, वो इसमें नहीं है 50 करोड़ में, वो अलग खर्चा है। तो इन्होंने प्रधानमंत्री जैसा का बंगला बना रखा है ना, ये स्थिति है। स्विमिंग पूल है, सब कुछ है भाई, ऐसा अय्याशी का हम तो कह रहे हैं सब गलत है। आप दरवाजे खोलो, कैमरामैन को अंदर जाने दो, क्या दिक्कत है, लोगों को अंदर जाके देखने दो अंदर क्या है, ऐसी क्या बात है। आज नहीं तो कल देखो, अगर आपको सच्चाई जाननी तो आपको सत्ता परिवर्तन करना पड़ेगा, दूसरा मुख्यमंत्री जो आएगा वो खोल के पूरा दिखा दे, और मेरे जैसा आएगा मैं तो बिल्कुल एकदम खोल के दिखा दूंगा, और मैं तो उसको होटल में परिवर्तित कर दूंगा। मुझे रहने के लिए एक कमरा चाहिए यार, मेरे को कुत्ते ने काटा, जनता मेरे से सड़क पर मिल लेगी, किसने कहा कि जनता के लिए आपको ये इतना सारा करने की जरूरत है, कोई आवश्यकता नहीं है। गजब है। तो ये स्थिति है, अब उन पत्रकारों को भी धक्का मारा जा रहा, उनको भी धक्के मार मार के निकाला था, जो मीडिया जिस मीडिया ने इनको बनाया था उसी मीडिया की इन्होंने लंका लगा दी। अब एक बहुत सिंपल सी बात है, मैंने पता नहीं मैंने आप लोगों से कभी ये बात कही कि नहीं कही, पर अक्सर अक्सर जो इस बात को मैं करता हूं, है ना, और वो क्या, नहीं सारे चैनल एक साथ कभी नहीं आते तुषार जी, ना कभी नहीं आते हो साथ में, आपस में लड़ाई बहुत होती है, और अक्सर मैं बोलता हूँ कि किसी को अगर MLA MP बनना है, अगर अच्छा MLA MP बनना है, अगर मेरे जैसे व्यक्ति को मौका मिलेगा तो मैं क्या करूँगा। लोग बोलेंगे इधर बंगला मिला है, MP का बंगला उधर नहीं चाहिए, हमें किसी इधर उधर बंगला नहीं चाहिए,
हमें तो कमिश्नरेट में, कलेक्ट्रेट में जो आपका ऑफिस है उस ऑफिस में जगह चाहिए। जितना बड़ा आपका कलेक्टर की जगह उतनी जगह मुझे दे दीजिए। जितने में ऑफिस कलेक्टर का होता है, कलेक्टर जिसमें खुद बैठता है एक चैम्बर में, जानते हैं कितनी बड़ी जगह में बैठता है, हैरान हो जाएंगे आप, उतने में 3 BHK फ्लैट बन जाएगा। जितने में उसका चैम्बर रहता है उतनी जगह बहुत है हमारे लिए, हम तो वहीं रहेंगे और सुबह शाम आराम से नीचे डेस्क लगा के बैठ जाओ। क्या करना है, सुबह लोगों से बोलो भैया मॉर्निंग वॉक पे आते हो इधर आ जाए करो, अपने सारे काम दे जाओ, थप्पी लगा ली टेबल पे बैठ के, शाम को जाते में जब अपने ऑफिस से काम करके वापस जाओ तो अपने अपने काम लेते चले जाना। दिन भर बैठ के हमको काम तो इन्हीं से कराना है, यही कलेक्टर कमिश्नर की तो साइन करेंगे। पूरी फाइलें उठाई, पहुंच गया कलेक्टर के चैम्बर में, उसके आने से पहले बैठ जाओ, नहा दो के अपना तो काम क्या है। नीचे से लोगों से फाइलें इकट्ठी करी सुबह 6 से 8, मुंह धोया, ब्रश मारा, कपड़े प्रेस किए और पहुंच गए, खाना भी वहीं, टिफिन लगा लो, को अपने को कोई को थोड़ी चाहिए, 2 रोटी तो खानी है। 9 बजे अपन उसके कार्यालय में बैठे, आओ कलेक्टर साहब 10 बजे, कोई दिक्कत नहीं है, 10 बजे आओ, आपका टाइम 10 बजे, 10 बजे आइए, ये फाइलें इनको साइन करना है, ये काम क्यों रुके हुए हैं ये समझा दो बस। शाम को जब आदमी आएगा बोलेगा भाई साहब मेरा मूल निवासी था, मेरा फलाना था, मेरी सड़क नहीं बनी थी, मेरा ये नहीं हुआ था, मेरा बिजली नहीं, मेरा ट्रांसफार्मर नहीं, शाम को जब आप उठा उठा के कागज होगा ना, ये ले भैया तुम्हारा काम होगा, तुम्हारा होगा, तुम्हारा होगा, तुम्हारा होगा, एक नया पैसा एडवर्टाइजमेंट में नहीं खर्च करना और एक नया पैसा चुनाव प्रचार में खर्च नहीं करना। और क्या बोलेगा मेरे जैसा आदमी, क्या बोलेगा, अगर अपने बाप से पैदा तो वोट मत देना मुझे, उल्टा, हाँ तेरे अंदर अगर ताकत है ना तू मुझे वोट मत देना, तुम्हारे बाप भी वोट देने आएंगे बेटा, हम थोड़ी लेने आएंगे तुम्हारे पास में, कि तुम्हारे पास काम करना था कर दिया, तुम्हारे ऊपर है तुमको क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है ना। तो ये जनता को सोचना है, ये जो इतने ऐड जो दे रहा ना, हर गलत प्रोडक्ट, खराब प्रोडक्ट का ऐड आता है, कभी अच्छे प्रोडक्ट का ऐड आते देखा आपने, कभी देखा कोई अच्छे प्रोडक्ट का ऐड आता, कभी दिमाग लगा कर देखो, जिसका सबसे अच्छा दूध होगा वो कभी ऐड नहीं देगा, जिसका सबसे अच्छा देसी घी होगा कभी ऐड नहीं करेगा, वैसे भी करा होगा, ऐड आया ना इसका मतलब ही घपला घोटाला है, वो पैसा कहाँ से निकालेगा। जिसका प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड है ऐड की जरूरत उसको पड़ती है, उसको नहीं पड़ती सर जिसका प्रोडक्ट खालिस है। मोदी को क्यों नहीं ऐड की जरूरत पड़ रही, केरल हुआ है, हाँ टोपी वालों ने भी खूब फूल बरसा है, ठीक है ना, क्यों नहीं पड़ रही। तो ऐड वो करेगा सर जिसके प्रोडक्ट में कमी होगी, इसका प्रोडक्ट गड़बड़ नहीं है वो कभी नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गई बात, बाकी जिसको चुनना उसको आप चुनते रहिए, हमें क्या, हमारा काम तो बताना, हमने बता दिया। आगे बढ़े उससे पहले QR कोड को स्कैन कीजिए, नहीं तो केजरीवाल जैसा फ्री तो केजरीवाल मिलता भाई साहब, बच्चे मरते रहेंगे वहाँ इटालियन मार्बल लगता रहेगा, हाँ रोते काहे को फिर। QR कोड को स्कैन कीजिएगा और अपनी अपनी फीस भर दीजिएगा, अपना नाम और नंबर ध्यान से उसके साथ में ज़रूर भेजिएगा। 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोनपे के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं, भीम UPI address एंड shukla@UPI इसके माध्यम से भी कर सकते हैं। जो भारत के बाहर है वो patreon.com/NitinShukla पर जाकर और paypal.me/NitinShuklaGWL पर जाकर अपनी अपनी फीस ध्यान से भर दें, और टेलीग्राम के चैनल t.me/NitinShukla इससे ध्यान से जुड़ जाइए, फिर मत कहना बताया नहीं, रोज बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, दोबारा मुझे सुनने को नहीं मिलना चाहिए कि मैं जुड़ा नहीं, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, वो आपकी हेडेक है मेरी नहीं है, मुझे इस बात की शिकायत लेके मत आना कि मुझे लाइव नहीं दिख रहा, ठीक है, लाइव की लिंक वहीं मिलेगी, ठीक है, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ को। इतने तो भैंस के आगे बीन बजाऊँ ना तो भैंस भी डोलने लगे, मंडोले मेरा तंडोले, लेकिन यहाँ हमारे ऐसी भैंसें हूँ बैठे रहेंगे।